नमस्कार प्रणाम स्वागत आदरणीय श्रोता मित्र रेडियो भोजपुरी एफएम 92.8 मेगाहर्ट्ज साथे विश्व भरे के साथ www.radiobhojpuriafm.com के माध्यम से हमरो पात्रो एप्स के माध्यम से और फेसबुक पेज भोजपुरी एफएम 92.8 मेगाहर्ट्ज के माध्यम से सुनतानी अपने सब कार्यक्रम साहित्यिक मंजरी। कार्यक्रम साहित्यिक मंजरी में सभी श्रोता महानुभाव लोग के दोनों हाथ जोड़ के हृदय से प्रणाम बाटे। कार्यक्रम भोजपुरियन साहित्यकार लोगन के खातिर हम आरजेरून लेकर के आवे नी। हमनी के गांव ठाव में बहुत सारा साहित्यकार जी लोगन बानी, बहुत सारा गायन बजायन नृत्य क्षेत्र से जुड़ल लोग बानी, बहुत लेखक लोग बानी, बहुत गायक लोग बानी। भोजपुरी भाषा के स्तर उन्नति प्रगति और भोजपुरी भाषा के समृद्ध बनावे के खातिर बहुत ऐसा साहित्यकार लोग साहित्यिक प्रेमी लोग अहोरात्रि अपन कलम के अपन मिठास आवाज के माध्यम से लिख रहल बानी और प्रयास कर रहल बानी भोजपुरी भाषा के ऊंचाई और हद तक बढ़ावे में। उ सभी भोजपुरी साहित्यकार भैया लोगन के प्यार भरा नमस्कार बाटे और सभी साहित्यकार भोजपुरी साहित्य प्रेमी लोग से निहोरा बाटे। कार्यक्रम छोट से लेके बड़ सभी कलाकार लोग के भोजपुरी एफएम प्लेटफॉर्म देवे के काम करेला और ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से रउआ लोग अपन साहित्यिक रचना लेख गीत संगीत प्रस्तुत करेनी। आज के सत्र में भी रउआ सब जुड़ सकतानी, भोजपुरी मिठास आवाज के पूरा दुनिया में सुना सकतानी। नंबर खुला करे जातानी, नंबर बाटे 9803-65013। केउ श्रोता बानी हमनी के फोन लाइन संपर्क में? नमस्कार। नमस्कार सर, स्वागत बा कार्यक्रम में। कहाँ से के बानी अपने? हम परशुरामपुर वार्ड नंबर 4 से बोलते हैं, कालिका माई चाहते हैं। दीपेंद्र प्रसाद चौरसिया बोलते हैं सर। दीपेंद्र प्रसाद चौरसिया जी, जी बोलल जाओ, क्या कहे के चाहता नहीं? कहे के चाहता नहीं, हम तंग श्याम बाबू से जुड़ा खोज चाहता नहीं, श्याम बाबू से हमारा से जुड़वाई लगा। अपने अपन नाम एक बार फिर से बताइए सर। दीपेंद्र चौरसिया। दीपेंद्र चौरसिया जी, जी क्या थी मैटर बाटे? नाले के मैटर से हम उनका से बात करे के चाहते हैं दोस्त। ना तो उनका से बात करे के चाहता नहीं, तो वहाँ के फोन पर बात करी ना, फोन करके क्या बात ना हो सकता सर? ना अपने के पर्सनल कोनो बात बाटे तो मोबाइल पर फोन करके बतिया ली। वहाँ से पर्सनल कोनो बात नहीं के, सब जनते के हम जनते बानी, जनते अनुमति को के हम बात करे के चाहते नहीं। क्या बात करे के चाहता नहीं वहाँ से? जुड़वा तो वो सीधा बताई ना, पहले मुद्दा काथी बाटे, बिना मुद्दा के हमनी के कार्यक्रम के जोन विषय वस्तु बाटे वो विषय वस्तु के ऊपर हमनी के संचालन कर रहल बानी जी। तो साहित्यकार लोग के खातिर कार्यक्रम बाटे, लेकिन काथी बाटे विषय कौन ऐसा मुद्दा हो कि जोन ज्यादा खास हो कि तो ऊपर हमनी के सोचल जाय, टेक्नीशियन मित्र से अनुमति लेके ओकरा बारे में हमनी के पहल कइल जाय। खास ये बात जब मन इंजीनियर आई ना इसे 3 दिन अगाड़ी, हाँ अब इन ढलनाला के ढलाई ना हो रहा, हाँ खुद वो लोग रहे दो चार आदमी, वो मन श्याम बाबू रलन, लक्ष्मण जी रलन, रंजीत रलन, बहुत ऐसा आदमी रहे यहाँ जानता रहे और इंजीनियर आई कि उसने इंजीनियर पूरा बता के चल गए, बता के गैला के बाद में उसने का समझ लो का बुझ लो कैसा ये बड़ा इतना बवाल हो रहा बा। एगो तो सब पहले हमने के दुआर पर नाला बना था, लड़का फैका बासन कालुए आदमी गिरे से यहाँ बच गई, ये बड़ा काम रोक ले बा लोग है काम रोकला पर मार के काम के रोक ले बाटे। रुवा से पूछता नहीं, एक मिनट दीपेंद्र चौरसिया जी, काम के रोक ले बारन? काम ये श्याम बाबू रोक ले बालो, लक्ष्मण जी रोक ले बालो। हाँ तरुआ के जानकारी हिले नहीं के कहता नहीं श्याम जी या लक्ष्मण जी रोक ले बा, ये अपने के मेयर साहब रोक ले बारन। मेयर साहब के तरह रोक ले बारन, वो दिन जब इंजीनियर आई
डॉक्टर इंजीनियर आए तो वही लोग से खुद जब समझा के उज्जवल हो फिर विवाद बेर बेर काहे चल बा एकरा के हां तब तनका अपने सुनी अपने अपने तनका से सुनी वहाँ पर गुणेश्वर हीन सामान के प्रयोग होखत रहे और रउआ कहता नहीं कि हम एगो जनता बानी तो जनता बानी तो अपने के बतावो तनी श्याम चौरसिया जी या एबीसीडी जे के हो भी विरोध कैनी कि ये गुणस्तर हीन और मापदंड विपरीत के काम काहे करतनी लोगन ठीक बा ऊपर अब पहल संबंधित निकाय के नजर ध्यान आकर्षण होके के पड़ल ओकरे विषय में काल हमनी के अपने के मेयर साहब के जोड़ले रहनी तो मेयर साहब कहनी कि हम बंद करा देनी है लॉकडाउन के बाद में वहाँ पर काम होगी आ जे लोग गलती कैले बानी उ लोग के दंडित करे गलती करे वाला ओमे के जोन अपने के मिस्त्री लोग बानी जे लोग वहाँ पर रेशियो के अनुपात में का कहल जाला सीमेंट के प्रयोग करे के सीमेंट के प्रयोग ना करके बालू और साथ ही साथ अपने के जंग लागल रॉड के प्रयोग करके पतला रॉड के प्रयोग करके 2 साल पुराना रॉड के प्रयोग करके ऐसाही अपने के 5 इंच ढलान होखे वाला जगह पर 3 इंच ही ढलान भइल बाटे तो ये सब चीज के विरोध तो हर जनता कर सकता नहीं ना जहाँ पर अन्याय हो रहा बाटे जहाँ पर गलत हो रहा बाटे उतर तो विरोध रउआ भी कर सकता नहीं जनता बानी तब ना तो केहू के झोड़ोवा हो केम केहू के चाचा चाचा कहत हो केम भैया कहत हो केम कोनो खराब नेता के पिछलगुआ हो केम तो विरोध ना करेम सही बात बाटे खराब काम में हर आदमी खोज सकता है वो बच्चा से लेके बूढ़ तक खोज सकता है ऐसा बात नहीं है वो में हमियों को शामिल मानी सुन बस अपना बात बा जब ठेकेदार लोग अपन स्वीकार कर जो हमने में गलती बा पर से हमने के सही से चलन सही से काम करम सुन तो देखे की 3 दिन से मैंने पैर तरवट होता तो ठीक है तो जब गलती होला तब आदमी तरह करला होके करला तो कम से कम अभिनव से तो जब स्वीकार कर लेला लोग सर अभिनव से तो काम होके देवे तो गलती होखेला ओकरा बकर सुनी ना गलती होखेला ओकरा कार्रवाई होला होला गलती होखेला ओकरा पर कार्रवाई होखेला हाँ तो अपने के मेयर साहब रोक ले बानी मेयर साहब के नंबर दे तनी उहे से फोन करी और मेयर साहब कहनी कि हमनी के परसों अपने के बताए अरुण जी कि वहाँ पर का समस्या बाटे कौन कौन गुणस्तरहीन चीज है कौन मापदंड विपरीत के नियम विपरीत के काम काती काती भइल बाटे मेयर साहब कहनी कि हमनी के बिहान पूछो तनी अपने के परसों बता दे जाने के चाहता नहीं था जी हेलो हेलो जी 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 सर नंबर दे दी मेयर साहब के हमने मेयर साहब आज अपने के गांव में ना गल रही है कल तो कहनी कि हम आवता नहीं स्थल को देखे के खातिर नहीं मेयर साहब तो आई रहे नहीं से बेरे आई रहनी तो वो कहाँ रहनी है हम वो रहनी हो मेरे सब को नहीं आज काम बंद कर देंगे जो मैंने ढलान भाई बा गलती भाई बा क्लियर लोग सुनो मेरे लालो सब कर लो हलो गलती हमने के फरवा के हमने के बनाएं सब से आज भी ना काल भी सब कर लो परसों भी सब कर लो तो अगर हमने के फरवा के आगे काम बढ़ाएं सब तो अब अपने क्या चाहता नहीं क्या कहे के चाहता नहीं अब अपन विचार रखल जाओ जे केहू भी सुन रहा बानी संबंधित निकाय वाला लोग का समस्या बाटे अपने के की आज फिर से अपने फोन करके हमनी के साथ में जुड़ता नहीं अपने बात रखता नहीं अब समस्या अपन बता दी समस्या ये है बात जब शिकार को लो तो काम हमने के हो काम चालू रहो काम चालू रहो जी तो अपने के मेयर साहब कहनी कि ई हमनी के निगरानी नहीं कर सकत स्थलगत अभी समस्या बाटे समस्या वहाँ के ई बाटे कि समय ना दे सकत नहीं लॉकडाउन के कारण से ये समस्या बतावत रहनी और ये बतावत रहनी आज बतावत रहनी कि काल बतावत काल के काल के काल के कार्यक्रम में काल के कार्यक्रम में जी 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 आज वहां के पता के गोलबंज जी बिहान से काम शुरू करे के तो शुरू होता तो अपडेट रउआ बानी रउआ के जानकारी बाटे तो फिर काहे हमने से पूछो तानी कि काम काहे नहीं करू होखत काम काहे रुकल बाटे ऐसे पूछा तानी जे जोन माने टंकी के बाद ये अपने बताई मुखिया लोग कोई जे खेत कोई के काट ली अपने जब जे घर के अगाड़ी के बा ओकरा तेरे को मैं टेंशन बा चाहे कुछ बा वो आदमी सिखाई अपना बाल बच्चा के जे है काट ली या हम काट ली मतलब ये काटे वाला बात का था कहाँ से आ गई कौन चीज कहता नहीं काटे वाला बात अपने जे तेरे को बड़ा भविष्य जमीन है बात बनाने
खेत वाला बात कहाँ से आ गई? फिर एक मिनट, खेत वाला बात कहाँ से आ गई? खेत वाला वही में अपने ही नाम से जुड़ के ना पतिल लालू। कहाँ खेत वाला काल बात बोल रहे? आज के अभी जुड़ल लालू के रंजीत के जुड़ल लालू। ना ना, हमनी के कार्यक्रम में ना जुड़ल रहनी है। पहले ठीक से एफएम के फ्रीक्वेंसी देखी, अपने कोना रेडियो पर बात हो रहा बाटे। वीरगंज परसा जिला में 13 एफएम रेडियो बाटे, हो सकता दूसरा एफएम पर भी बात भइल हो की। अच्छा सर, ई कौन अपने कौन रेडियो पर? ई भोजपुरिया चैनल। जी धन्यवाद, नमस्कार। पहले रास्ता गड़बड़ा जाता नहीं है, पूरा बात यहीं पर कह रहा था। नमस्कार सर, नमस्कार। आदरणीय श्रोता मित्र, भोजपुरी एफएम 92.8 मेगाहर्ट्ज के माध्यम से कार्यक्रम सुनतानी और फेसबुक के माध्यम से चंद्रकांत कुमार जी हेलो लिख रहल बानी। चंद्रकांत कुमार जी गुड इवनिंग अंकल जी लिख रहल बानी। और राम ईश्वर जी, राम ईश्वर कुमार जी नाइस लिख रहल बानी, बहुत बहुत धन्यवाद। हैंडसम पटेल जी नमस्ते। आर जरुण भैया का हाल बा लॉकडाउन में? बढ़िया बाटे भाई, आप लोगों के आशीर्वाद मिल रहा बाटे, बहुत बढ़िया बाटे। कार्यक्रम शेयर कर दी रहुआ लोग, कार्यक्रम सुनतानी शेयर जरूर कर दी। के श्रोता बानी कलाकार लोग जुड़ी कार्यक्रम में? नमस्कार। हेलो जी सर, नमस्कार। नमस्कार, कहाँ से के बोलता नहीं अपने? बलरामपुर से राकेश प्रसाद यादव। राकेश प्रसाद यादव जी, अच्छा राकेश जी, जैसे कि आज के एपिसोड हमनी के कलाकार लोग के खातिर ये कार्यक्रम बाटे, रउआ कलाकार बानी? गीत वगैरह गावे नी? जी सर, राइटर, राइटर। अच्छा राइटर राकेश जी सर, क्या बात है, तब तो सुने में अपने से लॉकडाउन के ऊपर गीत गायम। लॉकडाउन पर हमारे पास एकदम एकदम स्वागत बाटे राकेश जी, सुनाई अपने के सुने के खातिर दिल थाम के बैठल बानी हम सभी श्रोता लोग। जी जी जी, पटल करो जग महतारी लहाते पड़ला से कीड़े बढ़ल जाता महामारी। पटल करो ना भैरव जग महतारी लहाते पड़ला से कीड़े बढ़ल जाता महामारी। ज्ञान बुद्धि हेराइल पूरा संसार के गही माई बचाली ने कल के। कोरोना भैरव से बचाली ने कल के, गोरी माई बचाली ने पल के। कोरोना भैरव से बचाली ने पल के। ताजा समाचार में रोजे कहला कहानी, दुनिया के रिकॉर्ड राखे लोगे कहला ना महानी। ताजा समाचार में रोजे कहला कहानी, दुनिया के रिकॉर्ड राखे लोग कहला न महानी। मचल हाहाकार पिंड के भैले प्रधानमंत्री, हिरक रोके थमल बैठक बैठले रक्षा मंत्री। भारी पड़ल लॉकडाउन गरीब परिवार के, गरी माई बचाली नेपाल के। कोरोना भाइरस से बचाली नेपाल के, गहवा माई बचाली नेपाल के। कोरोना भाइरस से बचाली नेपाल के। बाटे अभाव यहाँ दक्ष जन सकती के, नेता कर्मचारी लोग बाटे बिना स्रोत सकती के। बाटे अभाव यहाँ दक्ष जन सकती के, नेता कर्मचारी लोग बाटे बिना स्रोत सकती के। कुछ कमी होके तो मांगे लोग सहारा, गलती तो गलती होके लोग कहला ना हो दोबारा। राइफल राकेश अरुण कहले पुकार के, बड़ी माई बचाली नेपाल के। कोरोना भाइरस से बचाली नेपाल के, पशुपतिनाथ बचाली नेपाल के। कोरोना भाइरस से बचाली नेपाल के। जी सर हो गया। चल तोहके घुमा दी नेपाल में, चल तोहके घुमा दी नेपाल में। बहुत बहुत धन्यवाद राइटर राकेश जी, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ बाटे और बहुत ही संदर्भिक गीत भी अपने गईनी है। बहुत बहुत धन्यवाद एक खातिर, और अगला कार्यक्रम में जरूर अपने सहभागी होके प्रयास करी, बढ़िया करे के और बढ़िया करे के प्रयास करी। और शुभकामना बाटे, आगे बढ़ी रहुआ लोग। भोजपुरी के मान मर्यादा इज्जत प्रतिष्ठा सम्मान रउआ जैसन बढ़िया राइटर लोग अगर प्रयास करता नहीं तो भोजपुरी
अपने आप में मिठास भाषा बाटे, हरेक भाषा पर भोजपुरी भाषा के रंग चढ़ जाला और विश्व में कहीं ना कहीं से भोजपुरी जाग उठल बाटे और अपन जगह 2005 के बाद निरंतर बढ़ाते जा रहा बाटे, विश्व पर छाते जा रहा बाटे और वो लोग प्रयास करी भोजपुरी के सपोर्ट करी, भोजपुरी आई FM अपने के स्थान जरूर दी। जी सर, धन्यवाद, नमस्कार। कार्यक्रम में संदीप राज यादव जी लिख रहा बानी, हेलो सर, नमस्ते, नमस्कार, नमस्कार मेरे यार। संदीप भाई बहुत बहुत नमस्कार अपने के भी। वैसा ही विनय सिंह जी लिख रहा बानी, हाँ जय श्री राम अरुण सर, बहुत अच्छा प्रोग्राम बा, कॉल करे के मिली, एकदम मिली सर, लेकिन हाँ गाना सुने में अपने से ये जो ज़्यादा वोकल होगी तो अपने के एकदम वो जवानी याद होगी आज के एपिसोड में, पहले फोन करके तो देखी अपने। वैसा ही संदीप राज यादव जी लिख रहा बानी, कैसन हाल खबर बा भैया, बहुत बढ़िया बा भाई, एकदम मस्त बानी हमनी के। वैसा ही हैंडसम पटेल जी लिख रहा बानी, शेयर कर देनी आर जरून भैया, थैंक यू सो मच भाई हैंडसम पटेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया शेयर कर देनी और जानकारी करनी जरा खातिर। सभी श्रोता लोग से भी हमनी के कहे के चाहे हम फेसबुक के माध्यम से जे जहाँ पर सुन रहा बानी सहयोग करी शेयर करके। संजय कुमार महतो जी भी हमनी के कार्यक्रम सुन रहा बानी फेसबुक के माध्यम से और लिखत आनी, लवली प्रोग्राम बा भैया, थैंक यू सो मच संजय भाई, बहुत बहुत शुक्रिया अपने सबके कार्यक्रम शेयर करके और फेसबुक प्रसारण के माध्यम से सुन के साथ दे रहा बानी जरा खातिर। अजय शाह जी हाई लिख रहा बानी, थैंक यू अजय जी, अपने के भी हेलो, नमस्ते, हाँ नमस्कार सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आदरणीय श्रोता कार्यक्रम में कलाकार लोग के खातिर हमनी के विशेष करके खुला कैले बानी नंबर, जे भी साहित्यकार प्रेमी लोग कार्यक्रम सुन रहा बानी, छोटा बड़ा हरेक मंच मंच होखेला। भोजपुरिया FM आज अपने सबके खातिर एक रंगमंच के काम करताटे और ई मंच के माध्यम से अपने के कला पूरा दुनिया तक हमने के पहुँचाबे के प्रयास करें। कार्यक्रम गाँव गाँव में सुन रहा बानी 92.8 MHz के माध्यम से, रेडियो सेट मोबाइल सेट के माध्यम से, अपने के पास कोनो रचना साहित्य गीत संगीत कविता जे भी बाटे हमनी के साथ सहभागी होखी और अपने अपन साहित्यिकमय रचना सुना सकतानी, भोजपुरी गीत गावे नी गा सकतानी, माई बेटी बहिन सब केहू के साथ पारिवारिक गीत गाएब, परिवार में हर केहू सुन सकी हमनी के जा। दोसर बात औरी अपने के भोजपुरी गीत ना आवेला तो रउआ हिंदी भी गा सकतानी, मैथिली भी गा सकतानी, नेपाली भी गा सकतानी, लेकिन भोजपुरी करेम तो ये भोजपुरिया FM भोजपुरिया भाषी लोग के खातिर ये FM भोजपुरिया भैया लोग के खातिर ये FM ए पर फोन करी। नमस्कार, हेलो, हेलो नमस्कार सर, नमस्कार, स्वागत बा कार्यक्रम में, कहाँ से के बनी अपने सर? सबसे पहले धन्यवाद, हम बहुजन माई नगर पालिका वार्ड नंबर 2 से मंतोष यादव। अच्छा मंतोष भाई, क्या हाल बा हो? सब बढ़िया भाई, बढ़िया बाटे हमनी के भी, गीत तो सुनावे के पड़ी आज। जी 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 बहुत का ना। सुनाई ना, तो सभी श्रोता लोग अपने के सुनने के खातिर एकदम व्याकुल बानी, उत्साहित बानी, सुनाई सुनाई देरी मत करी। जी 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 जी। एकदम भाई स्वागत बा। मालिक के समझाओ तरी कहो तरी ये जी कहे के बाद काम अभी है कोरोना वायरस के महामारी चलल बा एमे काम काज छोड़ी आ घरे पे रही तो आप के मानी कैसे कहली का कहली अरे की कोरोना से बचे ना पाइबा ये घूम खुलिया में जगिरा जा। वाह वाह। कोरोना से बच नहीं पैबा जे घूम खुलियाम जदि राजा पर रह घर मान बात राजा ना तो होई जिंदगी खराब रे राजा पर मान बात रह घर राजा ना तो होई जिंदगी खराब रे राजा कोरोना से बच नहीं पैबा जे खुम्ब खुलियाम जदि राजा कोरोना से बच नहीं पैबा जे खुम्ब खुलियाम जदि राजा कर डर
घुमल छोड़ गइल बाहरा कोरोना के चलते भारी बढ़ल बाटे खाताराम हो घर ही में रह घुमल छोड़ गइल बाहरा कोरोना के चलते भारी भइल बाटे खाताराम अरे एसपी गंगा पंथे के बाटे इह अभियान सुनिया जा एसपी गंगा पंथे के बाटे इह अभियान सुनि राजा सकर डर रह घर डर रह घर मान बाटे राजा ना तो होई जिंदगीया खराब ये राजा कर डर मान बाटे रह घरे राजा ना तो होई जिंदगीया खराब ये राजा क्या बात है क्या लॉकडाउन के पालना ओकरा के धरी जाके ही कोरोना ओ जे नहीं करी लॉकडाउन के पालना ओकरा के धरी जाके ही हो कोरोना अरे सोधा मन तोस घर में रह के करले आह्वान सुनि राजा सोधा मन तोस घर में रह के करले आह्वान सुनि राजा कर डर रह घर डर रह घर मान बाटे राजा ना तो होई जिंदगीया खराब राजा कर डर रह घर मान बाटे राजा ना तो होई जिंदगीया खराब राजा धन्यवाद। क्या बात है क्या बात है एकदम मैच मस्त हो गई आशुतोष भाई अगर ऐसा सॉरी मंतोष भाई ऐसा गाना अपने सुना हम तो कहाँ के वो घर में से निकली बहुत खूबसूरत गीत बाटे अपने के बड़ा खुशी लागल अपने से बात करके इतना बेहतरीन गीत जो अपने बनैले बानी और आवाज़ में भी जोन क्वालिटी देखे के मिल रहा बाटे ए बवाल बाटे बिजोड़ बानी अपने प्रयास करी आगे बढ़ी शुभकामना बा हमार अपने के साथ जी धन्यवाद। नमस्कार मंतोष भाई अगला बुध के जरूर अपने के इंतजार करें। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता फेसबुक के माध्यम से अजय शाह जी लिख रहल बानी नमस्ते नमस्ते हमरा ओर से भी ऐसा ही दीपू दीपेंद्र सहनी जी कार्यक्रम फेसबुक के माध्यम से सुन रहल बानी और लिख रहल बानी भोजपुरी साहित्यिक कार्यक्रम चलावे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद बा अरुण जी और भोजपुरिया एफएम पूरा परिवार के थैंक यू सो मच दीपू दीपेंद्र सहनी जी और कार्यक्रम के शेयर कर दी रहुआ लोग ताकि हमनी के पूरा मधेश में बहुत सारा कलाकार लोग बानी और भोजपुरिया एफएम के प्रसारण मधेश के लगभग 3-4 जिला में पहाड़ के 2-3 भीतरी मधेश में भी हमनी के सुनाई पड़ेला जैसे कि मकमानपुर और चितवन भीतरी मधेश में भा तब 6-7 जिला कहीं ना कहीं से हमनी के टॉच में आवेला भोजपुरिया एफएम के और बिहार के भी 8-10 जिला सब हमनी में हमनी के प्रसारण बाटे तो जगह जगह तक से श्रोता लोग जुड़ सके अपने लोग जरूर इस चीज़ के प्रमोट करी शेयर करके। नमस्कार। हेलो हेलो नमस्कार जी नमस्कार भैया स्वागत बा कार्यक्रम में कहाँ से की बोलता नी जी अलंग से हम रामायण सहनी बोलता नी रामायण सहनी जी जी कार्यक्रम सुनता नी जी तो अब तो सुनावे के पड़ी अपने के गाना हाँ हाँ जी भोजपुरी नहीं की कर हिंदी बार एकदम एकदम काहे ना चली हिंदी कोनो पराय भाषा थोड़ी है साइड में तो हुए हाँ हमने के कमनी काती कॉल जला कनेक्ट कराए वाला बात है तो सुनाई ना अपने जी ओ जान से भी प्यारा मुझको मेरा दूर है उसके बिना एक पल भी जीना मुश्किल है ओ जान से भी प्यारा मुझको मेरा दूर है उसके बिना एक पल भी जीना मुश्किल है तो वे मेरी तो वे क्या दर्द है ये दर्द बड़ा बेदर्द है तो वे मेरी तो वे क्या दर्द है ये दर्द बड़ा बेदर्द है
कभी मुझको हंसाए कभी मुझको रुलाए कोई जाए जरा ढूंढ के लाए न जाने कहाँ दिल खो गया न जाने कहाँ दिल खो गया ओ हालत क्या है कैसे तुझे बताऊं मैं करवट बदल बदल तेरा बिताऊं मैं ओ हालत क्या है कैसे तुझे बताऊं मैं करवट बदल बदल तेरा बिताऊं मैं पूछो जरा पूछो क्या हाल है हाल मेरा बेहाल है कभी मुझको हंसाए कभी मुझको रुलाए कोई जा ओहो हमनी के साथ में रामायण सहनी जी रहनी है। बहुत बहुत धन्यवाद रामायण सहनी जी, फोन डिस्कनेक्ट हो चुकल बाटे। अगला बुध के जरूर अपने कार्यक्रम में सहभागी बनेम और अपन पसंदीदा गीत संगीत जरूर हमनी के सुनाएम, सभी श्रोता लोग भी सुनेम। अपने से रिक्वेस्ट बाटे रामायण सहनी जी, फेसबुक के माध्यम से अजय शाह जी लिख रहा बानी, मलेशिया से सुनत बानी सर नमस्कार बा, अपने के भी नमस्कार बा अजय शाह जी। वैसा ही शिवालक शाह जी लिख रहा बानी मस्त बा, थैंक यू सो मच। गौतम कुमार जी नमस्कार आरजे अरुण सर, वेरी नाइस प्रोग्राम हम भेला ही पूर्वी चंपारण से, थैंक यू सो मच गौतम भाई। और कार्यक्रम अपने सब यूट्यूब पर भी सुन सकता नहीं, यूट्यूब पर हरेक कार्यक्रम हमनी के अपलोड बाटे, भोजपुरिया FM 92.8 MHz अपने सर्च करें, यूट्यूब पर भी हमनी के कार्यक्रम मिल जाए, हरेक कार्यक्रम सब राखल गइल बाटे यूट्यूब पर। और यूट्यूब पर रउआ लोग खोजम भोजपुरिया FM 92.8 MHz और यूट्यूब के सब्सक्राइब ही करें, सब्सक्राइब करके भोजपुरिया FM के चैनल के आगे बढ़ाई लोगन, रउआ लोग से यही अपेक्षा बाटे। वैसा ही रंजन कुमार जी भी लिख रहा बानी, हेलो सर नमस्कार, नमस्कार रंजन भाई। रूपेश कुमार जी भी लिख रहा बानी नमस्कार आरजरुन भैया, नाइस प्रोग्राम बा, रोज सुने नी 7 बजे से अपने के साथे शिवपूजन जी के प्रोग्राम मनोरंजन, बहुत बहुत धन्यवाद रूपेश भाई। 9803-6503 के माध्यम से अपने भी सहभागी बन सकता नहीं, नमस्कार। नमस्कार, स्वागत बा कार्यक्रम में अपने के, कहाँ से के बोलता नहीं? आदर्श नगर से आकाश कुमार गुप्ता सर। आकाश कुमार गुप्ता जी कार्यक्रम साहित्यिक मंजरी में बानी अपने, कहाँ सुना है? एकदम एकदम स्वागत बाटे। उसके आने से दिल में हलचल मचे, दिल में हलचल मचे, उसकी चाहते ही दिल ये हलचल करे, दिल ये हलचल करे, उसके आने से दिल में हलचल मचे, दिल में हलचल मचे, उसकी चाहते ही दिल ये हलचल करे, दिल ये हलचल करे, हर पल सोचूं तुम्हीं को, पल पल देखूं तुम्हीं को, रात भर है नैन में रहते जगे, हाँ रहते जगे, क्योंकि तेरे जाने से दिल ये हलचल करे, हाँ हाँ हलचल करे, जब जब सजदा करूं संत जीऊं मरूं, जब जब सजदा करूं संत जीऊं मरूं, खुदा से बस अब यही मांगे, क्योंकि तेरे जाने से दिल ये हलचल कर, क्योंकि तेरे जाने से दिल ये हलचल करे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश कुमार जी, बहुत ही सुंदर, नमस्कार शुभ रात्रि, आवे वाला दिन में भी अपने जुड़े हम हमनी के कार्यक्रम में। कार्यक्रम भोजपुरिया FM के माध्यम से सुनता नहीं, फेसबुक पेज हमनी के बाटे भोजपुरिया FM 92.8 MHz और ऐसे करके अपने फेसबुक में भी हमनी के कार्यक्रम सुन सकता नहीं, यूट्यूब चैनल पर भी देख सकता नहीं, सभी कार्यक्रम रिकॉर्डेड प्रोग्राम लाइव प्रोग्राम यूट्यूब चैनल पर भी बैठे हमनी के, यूट्यूब चैनल भोजपुरिया FM 92.8 MHz बैठे हमनी के। और शाही हमारे पास रो एप्स के माध्यम से भी विश्वभर सुन रहा बानी, वैसा ही कार्यक्रम में हमनी के मैसेज सब मिल रहा बाटे फेसबुक के माध्यम से। रंजीत प्रसाद जी लिख रहा बानी नाइस सॉन्ग, रंजीत प्रसाद जी लिखतानी भाव, रंजीत जी लिख रहा बानी भवनरी आदापुर बिहार से,
उसाही हमनी के विनय सिंह जी फेसबुक के माध्यम से कमेंट्स में लिख रहल बानी, अभी थोड़ा बिजी बानी, अभी कॉल ना करे सकेम, लेकिन शायरी बोल देत बानी, बोल दी हल जाई। सजावल सपना सब टूट के सकनाचूर हो गई, सजावल सपना सब टूट के सकनाचूर हो गई, रोपनी आम त धतूर हो गई, जेकरा के दिल से चहनी उ दूसरे के घर के कोहिनूर हो गई। बाप रे बाप, बड़ा बड़ा धन्यवाद अपने के, बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहब, और एकदम जवान जैसन शायरी लिख रहा बानी विनय सर। एक बार फिर से पढ़े, हमारा पढ़े में थोड़ा मिस्टेक हो गई, एक बार फिर से इस शायरी के पढ़े के चाहे, तनिक अपना भाषा में भाव बाटे कुछ ऐसा, बिना भाव के हम पढ़ देनी है। सजावल सपना सब टूट के सकना चूर हो गई, सजावल सपना सब टूट के चकना चूर हो गई, रोपनी आम त धतूर हो गई, जेकरा के दिल में दिल से चहनी, जेकरा के दिल से चहनी उ दूसरा के घर के कोहिनूर हो गई। रंजीत प्रसाद जी लिख रहल बानी, हम रूपेश कुमार भवनरी अदापुर बिहार से, अगला कॉल कार्यक्रम में जोड़े के चाहब। नमस्कार। हेलो। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार, स्वागत बा कार्यक्रम में अपने के, कहाँ से के बोला था नी? हम कलिका में गाँव पालिका से। शुभ नाम? मधु कुमारी पटेल बोलता नी। मधु कुमारी पटेल, पटेल हाँ। अच्छा, कलिका माई कौन टोल से? सिंदूरिया। जी जी, बहुत बहुत स्वागत बाटे कार्यक्रम में अपने के। कार्यक्रम में तो गीत संगीत सुनावे के पड़ी, रचना कविता जे भी बाटे अपने के सुनाएम। एकदम एकदम स्वागत बाटे। शायरी चली? अच्छा, शायरी कहम, पहले शायरी कहम ओकरा बाद में गीत सुनाएम। एकदम स्वागत, गीत तक शायरी। एकदम एकदम हमने के सुन तनी। बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी, नमस्कार, शुभ रात्रि, प्रयास करी अपने अगला एपिसोड में और बढ़िया सुनावे के। नमस्कार। हाँ, हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं, हम रोते हैं वो सोती है। बहुत बढ़िया गाना सुनेनी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कॉल कार्यक्रम में जुड़े के चाहब 9803-6503 के माध्यम से, क्या श्रोता हमनी के साथ में जुड़ रहा बानी। नमस्कार। हेलो सर। नमस्कार सर। नमस्कार, हम नगर पालिका वार्ड नंबर 2 बैरिया। क्या समाचार बा मुकेश भाई? ठीक है, ठीक है। खाना पीना हो गया? एकदम बढ़िया बैठे। खाना पीना हो गया? तो आज कार्यक्रम में तो गाना सुने में अपने की आवाज में सारी सनीचर के सुने नी। आज तो गीत सुने। हाँ हाँ एकदम सुने, सुनाई ना आधा हम गा दे, आधा गा दी ना, मिस कोट करके दोनों भाई गाली हल जाओ। ठीक वाला एकदम एकदम। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो, तुम दिल की धड़कन
धड़कन में। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, अगला बार बढ़िया से प्रयास करें और पूरा गाना सुने अपने से। नमस्कार, शुभ रात्रि। कार्यक्रम भोजपुरी FM 92.8 के माध्यम से सुनता नहीं, फेसबुक के माध्यम से भी सुनता नहीं। फेसबुक में बहुत सारा श्रोता लोग सुन रहा बानी, सभी लोग से आग्रह कल जाता रउआ लोग हमने के कार्यक्रम शेयर कर दी, ज़्यादा से ज़्यादा श्रोता लोग तक पहुँचाई। अपने लोग के बहुत बहुत धन्यवाद होगी। वैसा ही नाम कुछ अल्टर बैठे अपने के, परवेज कुमार गुप्ता जी बानी शायद अपने। हेलो भैया, हम बिहार पूर्वी चंपारण इटियाही बाजार से बोलत बानी, वेरी गुड प्रोग्राम, थैंक यू सो मच भाई। नमस्कार। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार अरुण भैया, स्वागत बा कार्यक्रम में, परिचय बतावल जाओ सर। हम कलैया नगर पालिका वार्ड नंबर 2 टोल दोहर से बोलते हैं, रूपेश कुमार मंडल। रूपेश कुमार मंडल जी, कार्यक्रम साहित्यिक मंजरी में फोन लागल बैठे अपने के, हम तो गीत सुने में अपने से। रूपेश जी जी, उमेश कुमार मंडल। ए उमेश कुमार मंडल जी, जी जी कहल जाओ उमेश जी। भोजपुरी गाना भरत शर्मा के गाओ गीत आहा दहेज प्रथा में बाबू आहा, एकदम एकदम बहुत बढ़िया, जनचेतना मूलक गीत बाटे दहेज के ऊपर, और सुनाई अपने अपना आवाज में। कच्ची कली किस दामन से छुपा कर फूलों तले सांस लेती है बेटी, फूल जाती कलिया तू डाली से छुपकर, आंचल में आंचल में मुखड़ा छुपाती है बेटी, खुशबू छिड़कती थी सेवा से अपनी, मर्याद कुल की बढ़ाती है बेटी, पर इस जमाने में एक दिन पैरों तले उछल जाती है बेटी, बेटे वाले तो होते हैं किस्मत वाले हैं, अरे बेटे वाले तो होते हैं किस्मत वाले, पर बेटी इंसान होती शादी कहल ऐसा समस्या हो गई बा, केहू अगर से तना लड़की के शादी करे बदले केहू लड़का वाला के फिर भी हमार लड़की खुश रही सुखा में रही, तो किसान बेच के जगह जमीन शादी कर उमेश जी, उमेश जी अपने की आवाज ठीक से नहीं किया, नेटवर्क प्रॉब्लम बाटे शायद। हाँ हाँ, नेटवर्क थोड़ा सा हमनी के साथ नहीं है देते। हेलो हेलो, ओहो बड़ा सुंदर अपने अपने की आवाज में तो इतना जादू भरल बाटे, हम का कही ना कही इतना म्याज मस्त हो गई अपने की आवाज सुन के भैया, लेकिन अफसोस ये बात से बाटे की अपने से बातें ना आई हो के पावत। जी 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 जी, उमेश कुमार जी हमनी के साथ कार्यक्रम में सहभागी भइल रहनी है, बड़ा दुख के बात बाटे कि वहाँ से हमनी के बात ना हो के सकल है, वहाँ के आवाज वास्तव में माँ सरस्वती के पास बाटे, इतना सुंदर से वहाँ के सजा के गीत गावत रहनी है, लेकिन बहुत दुख के बात साथ हम बतावता नहीं कि वहाँ के मोबाइल में नेटवर्क के प्रॉब्लम भइला के कारण से फोन हमनी के कट गई है। आदरणीय श्रोता अपने सब कार्यक्रम में जुड़ता नहीं तो प्रयास करी थोड़ा सा नेटवर्क में जाके कार्यक्रम में सहभागी होके के कार्यक्रम भोजपुरी FM के माध्यम से सुनता नहीं अपने सब, और प्रयास करी अपने सब तनिका नेटवर्क में जाके कार्यक्रम में जुड़े कि नेटवर्क में जाके फ़ोन करें तो बढ़िया से बातचीत होके पाई। फ़ोन कट जाता, बड़ा दुख लागत हमनी के, फोन साथ ही साथ वो लोग गावे के भी चाहता नहीं, लेकिन हमनी के कहीं ना कहीं से नेटवर्क प्रॉब्लम भइला के कारण से
अपने की आवाज़ क्लियर नहीं थी सुनाई पड़त और फ़ोन कट जाता। ऐसे थोड़ा सा नेटवर्क ठीक करके कार्यक्रम में सहभागी हो कि भोजपुरिया FM 92.8 MHz के माध्यम से अपने भी सहभागी हो सकता नहीं। 9803-6503 स्टूडियो नंबर बा। नमस्कार। हेलो नमस्कार। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से के बोलता नहीं, स्वागत व कार्यक्रम में अपने के। आदर्श नगर से ज्योति सिंह। ज्योति सिंह जी बहुत बहुत स्वागत व कार्यक्रम में अपने के। हाँ कार्यक्रम में तो अपने के आवाज में गीत या कविता सुने के चाहे सुना जी, एकदम एकदम स्वागत बाटे। कथी सुना अपने। क्या बात है, बहुत खूब ज्योति जी। बहुत बहुत धन्यवाद देवे के साहब कार्यक्रम में सहभागी बनी अपना मिठास में आवाज के माध्यम से गीत सुनाई नहीं जकरा खातिर। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू अपने के भी, गुड नाइट। आदरणीय श्रोता कार्यक्रम सुनता नहीं रेडियो भोजपुरी 92.8 MHz के माध्यम से काफ़ी मैसेज भी प्राप्त भेल बाटे कार्यक्रम में। पुष्पा अभिषेक जी लिख रहल बानी, नाइस प्रोग्राम सर। विनय सिंह जी लिखता नहीं, हम भी शेयर कर देनी आर जरून सर। थैंक यू सो मच अपने के विनय जी। कुमार रूपेश जी लिखता नहीं, विश्वास टेलीकॉम रूपेश कुमार आदापुर भवनरी बिहार से। थैंक यू सो मच कुमार रूपेश जी। वैसा ही हमने के राइटर रूपेश जी भी कुछ लिख रहा बनी अपने के, जरूर पढ़े हम। हेलो नमस्कार। हेलो नमस्कार। नमस्कार सर जी, स्वागत बा कार्यक्रम में। कहाँ से के बानी अपने? नाम बताई ना अपने, कहाँ से के बोला था नी, वही खातिर तो अपने के फोन उठैनी है। नाम कथी भइल अपने के? आदरणीय श्रोता अभी हमनी के साथ में के श्रोता रानी, अब सोचूँगा के फोन डिस्कनेक्ट हो चुकल बाटे। कार्यक्रम सुनता नहीं भोजपुरी FM के माध्यम से और हमनी के कार्यक्रम से अब विदा मांगे के पड़ी। प्रचार होखी बीच में, प्रचार के साथ ही साथ फिर से आवत नहीं कार्यक्रम संगीत लहर के साथ, जरूर सुनिए अपने सब। संगीत लहर कार्यक्रम भी हमनी के संचालन करे जा रहा बानी। राइटर रूपेश लिख रहा, नमस्कार भैया, हमर एगो शायरी बा सुनावतानी एकदम। चांदनी चांद करता चमकना सितारों को पड़ता है, मोहब्बत निगाह आंखें करती है तड़पना दिल को पड़ता है। गुड नाइट आर जरुण भैया, थैंक यू सो मच राइटर रूपेश जी। हमनी के अब विदा मांगल जाओ कार्यक्रम सुन के साथ देनी जेकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। हमनी के दोसर एपिसोड में फिर से मिलत आनी, 10:10 में कार्यक्रम सुने। कार्यक्रम के नाम संगीत लहर, जौना में अपने के फरमाइश सदाबहार हिंदी भोजपुरी नेपाली गीत संगीत सुने। नमस्कार, धन्यवाद। अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी FM 92.8। खुशी के खबर विश्व भर फैल रहल कोरोना वायरस के महामारी में मृगौला रोगी सबके ध्यान में रखते नारायणी व्योधा अस्पताल डायलिसिस सेवा संचालन कैले बा कह के सभी जन समुदाय में जानकारी करावल जाता। समय बिहनिया 8 बजे से सझिया 8 बजे तक, इमरजेंसी भइला पर रात में भी कैल जा सकता। संपर्क के खातिर नारायणी व्योधा हॉस्पिटल पीरगंज परसा। संपर्क मोबाइल नंबर 9819-12661 आ 9818-046-38।
ए भौजी इतना सवेरे सवेरे काहे रोतारू हो? बबे का शादी फेर कट गए। तो ये बार बार बबिया के शादी काहे कट जाता हो भौजी? फेस में सफेद दाग के चलते नु शादी कट जाता चाचा। तो सुनो भौजी, ये रोल धोवल छोड़, अब बबी के लेके एसपी त्यागी सेवा सदन में चल जा, वहाँ डॉक्टर साहब बैठेनी। जी, एकरा अलावा सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज कर रहल बाड़ा, और गेठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, सुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता इत्यादि बीमारी के इलाज जड़ी बूटी द्वारा कर रहल बाड़ा, और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा सुगर एवं पथरी के इलाज भी आयुर्वेदिक द्वारा करे लन। डॉक्टर साहब दर्द के स्पेशलिस्ट बाड़न। प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड के निकट भी मार्ट के बगल में, रविवार हरसिद्धि थाना के बगल में पूर्व प्रमुख राजा राम जी के मकान में, बुधवार नरकटियागंज कचहरी रोड मुख्तार खाना के बगल में, मोतिहारी LIC से पूरब आनंद होटल के नीचे, गुरुवार घोड़ा सहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब सीताराम शाह जी के मकान में, शुक्रवार, शनिवार और रविवार के दिन रक्सौल में डंकन हॉस्पिटल से पूरब पहला गली त्यागी जी के अपने मकान में। समझ गई ला? ओ भाई, हम तो देखलो ही नहीं। तो डॉक्टर साहब के नंबर लिख लो, 9955-94-94-53। डॉक्टर बाबू बिना ऑपरेशन बवासीर, भगंदर, हाइड्रोसिल और हेगा रोग के गारंटी इलाज सिर्फ सुई द्वारा। आज ही मिली डॉक्टर ए कुमार, बवासीर, भगंदर, हाइड्रोसिल स्पेशलिस्ट, ज्ञान बाबू चौक, मोतिहारी। जरूर याद करें, बवासीर, भगंदर, हाइड्रोसिल और हेगा रोग के गारंटी इलाज खातिर एक ही नाम, डॉक्टर ए कुमार। मोबाइल 9301414106 आ 9478876572। एक बार इलाज करा के हमेशा ला मुक्त हो जाए। अनेकता में एक, यो हो भोजपुरी FM 92.8। करी खून दान, दी जीवन दान, टाइम चेक, भोजपुरी FM 92.8 मेगाहर्ज में। अभी रात के 10 बजे। ए काका जी, का भइल बा? काहे सामान गिरावत तानी? आंख से दिखाई नइखे देत का? का पता का भइल बा, आजकल आंख से ढूंढरा दिखाई देता, आ बहुत ज्यादा दुखात भी बा। आंख में जब इतना बीमारी बा त डॉक्टर साहब से दिखावे के ना चाही? ए बबी, ठीक होके में कितना दिन लागी? खेती पाटी के काम बा, छोड़ दी, बाद में दिखावल जाई। सुनी, आंख शरीर के एक संवेदनशील अंग है, एकरा में खराबी भइला पर लापरवाही ना करे के हम अपने के किरण आखा अस्पताल में ले चले तानी। यहाँ तो शंकर नेत्रालय मद्रास से तालीम प्राप्त आँख के डॉक्टर डॉक्टर अमर कयाल आ बच्चा के आँख के विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कयाल जी के साथ अनुभवी डॉक्टर सब के टोली द्वारा उपचार हो रहल बा। साथ ही शनिचर के सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक भी चेक जाँच होखेला। अत्याधुनिक फेको मशीन द्वारा मोतिया बिंद के ऑपरेशन, आँख के संपूर्ण बीमारी के इलाज आ आँख के ऑपरेशन कोयला के 2 घंटा बाद में ही आँख से देख सकतानी आ घरे भी जा सकतानी। ए इतना आसान बात चली, देर काहे करतानी? विशेष जानकारी के खातिर किरण आखा अस्पताल रजत जयंती चौक से 50 मीटर पूर्व बाईपास रोड बिरगंज, फोन नंबर 0151-5244-5544 और 9807-7571। लॉकडाउन के अवधि भर 11 से 3 बजे तक सेवा दिहल जा रहल बा। डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियरा गइल बा, आहा तो झंझनाता, का बा एकर इलाज? देखी, अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथ ही अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी त हेमोडेक्स ही प्रयोग करी। जी, गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स जी, अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यू, जॉन, गैस्ट्रिक, अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आ पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला। पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर। गुजरात ग्रोमेट, गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
काका प्रणाम। हाँ नारायण, एक का समाचार बा? काका देखो ना, घर में सबके मियाज खराब हो गई बा। ए ऐसन बात बा, चिंता मत करो, अब हरेक रोग के इलाज करियन डॉक्टर एसपी अरुण। जैसे बात रोग, साइटिका, गठिया, दामा, पेट गैस, महीनवारी के खराबी, बवासीर, खूनीबादी, लिकोरिया के इलाज बिना ऑपरेशन के द्वारा डॉक्टर एसपी अरुण कर रहल बानी। संपर्क डॉक्टर एसपी अरुण, रक्सौल बड़ी डाकघर के सामने धर्मशाला में, हरेक महीना 23-24 तारीख के ही इलाज करेंगे। मोबाइल नंबर 9478236966 और 9933458098। डॉक्टर एसपी अरुण। मोतिहारी का गौरव मनी हॉस्पिटल, एडवांस न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। मनी हॉस्पिटल में आधुनिक तकनीकी से विभिन्न प्रकार के रोगों की समुचित इलाज की व्यवस्था है। प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर मनी शंकर कुमार मिश्रा के कुशल निर्देशन में यहां न्यूरो सर्जरी विभाग, हड्डी रोग जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, न्यूरोलॉजी एवं सभी प्रकार के स्टोन सर्जरी विभाग, महिला एवं प्रसूति रोग विभाग, नवजात शिशु रोग विभाग, नाक कान एवं गला रोग विभाग, प्लास्टिक एवं ऑटोमेटिक सर्जरी, डेंटल एवं मेक्जेलो फेशियल सर्जरी विभाग, मेडिसिन एवं मानसिक रोग विभाग संचालित किया जाता है। हमारे सुविधाएं नवजात शिशु के लिए वेंटिलेटर की व्यवस्था, कैंसर मरीजों के लिए कीमो चढ़ाने की सुविधा, मोतिहारी में पहली बार अल्ट्रा मॉडर्न ओटी के सुविधा, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, आईसीयू, सीसीयू, एनआईसीयू, बीपैप, सीपैप, एडल्ट एवं नियोनेटर वेंटिलेटर की सुविधा, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रश्मि श्री द्वारा सभी प्रकार के स्त्री रोग एवं बाचपन का सफल इलाज किया जाता है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें मनी हॉस्पिटल, एडवांस न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, NH28A बड़ा बरियारपुर, छतौनी, मोतिहारी। मोबाइल नंबर 6206600127। ए चाचा जी, राउ लाठी हेने बाटे आ खोजतानी होने हैली रोवा अपन लाठी। अरे देख ना बबी, आँख से कुछ लौटे नहीं खे, भगवान तोहरा सदा खुश रखे। चली चाचा जी, रौरा के ले चलतानी राम कुमार महावीर प्रसाद केडिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज में। ई हॉस्पिटल के सेवा सब हाथ तथा कंप्यूटर विधि से मोतिया बिंदु के ऑपरेशन, पर्दा यानी रेटिना के संपूर्ण इलाज, जल बिंदु के संपूर्ण इलाज, बल्ब देखला पर इंद्रधनुष के जैसन यदि दिखाई पड़ता तो समझी कि अपने के जल बिंदु भइल बा, कॉर्निया के संपूर्ण इलाज, बच्चा के आँख के संपूर्ण इलाज, नेपाल सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अंतर्गत आँख के संपूर्ण निःशुल्क इलाज। नोट, कंप्यूटर से ऑपरेशन के 2 घंटा बाद घर जाए के मिली। आँख से संबंधित सभी इलाज के खातिर केडिया आँखा अस्पताल, परवानीपुर, बीरगंज। जिंदगी जीना है रफ्तार में तो क्यों बैठे हैं इंतजार में। जी हाँ, आ गया आपके शहर रक्सौल में पहली बार हुंडा का PS6 बाई SP125 CC के साथ तारा हुंडा शोरूम में। फुल डिजिटल मीटर, रियल टाइम एवरेज, LED लाइट, सर्विस ड्यू और गियर पोजीशन इंडिकेटर के साथ स्पोर्टी लुक में। इतना ही नहीं, PS6 का कुशल कारीगर के द्वारा सर्विस भी उपलब्ध है। उत्तम सर्विस के लिए अवश्य पधारें। संपर्क के खातिर तारा होंडा एजेंसी, लक्ष्मीपुर, रक्सौल। फोन नंबर 0625522423 7045595। नेपाली नंबर 97550015001। ए भौजी, क्या सोचतारू हो, आ देखो तानी भइयो आजकल पिया रायल जाता। देखी ना बउआ जी, राउर भैया के जॉन्डिस आ हमरा पथरी हो गइल बा, आ लइकवा सके खुजली हो गइल बा। ओही से न सोचतानी कहवा जाई कि सब कोई के एक ही जगह इलाज हो जाए। सुन दीदी, बाले बच्चे के लेके चल जो डॉक्टर पी कुमार के लगे। डॉक्टर साहब ईश्वरी मेडिकल हॉल रक्सौल में बैठेनी, तहनी बाले बच्चे के इलाज एक ही जगह हो जाए। जी हाँ, डॉक्टर पी कुमार जहाँ पर पेट के रोग, पथरी, चर्म रोग, स्त्री रोग, बाथ रोग, पुरुष के गुप्त रोग, शुगर, खूनी बवासीर, बादी बवासीर, भगंदर, थायराइड, कोलेस्ट्रोल जैसन बहुत सारा बीमारी के एक ही जगह इलाज बहुत ही बढ़िया तरीका से कर रहल बनी। तो अपने भी एक बार जरूर मिली डॉक्टर पी कुमार से। बुधवार बाहेक हरेक दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक डॉक्टर साहब बैठेनी। स्थान ईश्वरी मेडिकल हॉल, गांधी चौक, मिर्चापट्टी रोड, रक्सौल। संपर्क मोबाइल नंबर
9650-67-836। लेके पूजा की थाली जोत मन के जगाली, तेरी आरती उतारू बोली माँ। गोर लागत नी पंडित जी, ए पंडित जी नहीं की सुनत, गोर लागत नी। अरे खुश रहो बाबी, जुग जुग जी है, आ क्या समाचार बा? देखी ना पंडित जी, पूजा के दिन नियर आ गई, आ पूजा के कौनो सामग्री किनाइले नहीं खे। ए बाबी, ता पूजा के संपूर्ण सामान ले आवे खातिर आनंद पूजा भंडार में चल जाए। वहाँ के प्रोपराइटर बिल्टू शाह बाड़े, सब सामान पूजा के एक ही जगह मिल जाई है। जी हमनी यहाँ जड़ी बूटी, जड़ी जंतर, प्रसूति मसाला एंड सोनारी सामान, किराना सामान एवं अष्टजाम, लखराओ, यज्ञ के सभी सामान उचित मूल्य पर मिलेला, साथे संपूर्ण पूजा सामग्री भंडार। आनंद पूजा भंडार, चावल बाजार, रक्सौल, पूर्वी चंपारण। प्रोप्राइटर बिल्टू शाह, संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 94702-38908 आ 62077-99813। काहे मारा तर लगन, काहे घर से पतो के निकाला तर लगन हो। 5 वर्ष से बेसी एक शादी के हो गई, अभी तक लेकरा एको को बाल बच्चा ना भई, तो एकरा के घर में रह के का होई। बस इतने बात से परेशान बड़ा लगन, तो तोनी चल जा कौड़ीहार चौक रक्सौल के दिव्य आयुर्वेदिक क्लिनिक में, जहाँ जनरल फिजिशियन डॉक्टर एस त्रिवेदी आयुर्वेदिक दवा एवं जड़ी बूटी से सभी प्रकार के बीमारी के इलाज करेंगे। जी हाँ, अपने के शहर रक्सौल में पहल का बेर पीत थैली के पथरी के सिर्फ दवा से गलावल जाला। यहाँ सब बीमारी के इलाज आयुर्वेदिक दवा एवं जड़ी बूटी से निमन कइल जाला। स्त्री रोग, बाजपन, महीनावारी के खराबी एवं लिकोरिया, पेट रोग, किडनी के पत्थर, गैस, पेचिस एवं जोड़ के दर्द ठीक कइल जाला। संपर्क स्थान दिव्य आयुर्वेदिक क्लिनिक, जनरल फिजिशियन डॉक्टर एस त्रिवेदी, कौड़ीहार चौक रक्सौल, ललन जी के मार्केट। आ खुशी के बात तो इनु बा कि प्रत्येक शनिवार के दिन डॉक्टर साहब फ्री में इलाज करेनी। मोबाइल नंबर 9162986259, 9567-30939 आ 9129-96249। भोजपुरिया FM 92.8 MHz, एकमात्र सर्वश्रेष्ठ भोजपुरी FM रेडियो। फरमाइश अपने के अब सुनी कार्यक्रम संगीत लहर में। भूल गए रे हर बार, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। हिंदी आ भोजपुरी सदाबहार गीत संगीत के फरमाइश पूरा करी कार्यक्रम संगीत लहर। सुने के नहीं भूले, हरेक रात 10 से 11 बजे तक सहकर्मी शिव पूजन जी के साथ में सिर्फ रेडियो भोजप्रिया FM 92.8 MHz में कार्यक्रम संगीत लहर। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत आदरणीय श्रोता मित्र, रेडियो भोजपुरी FM 92.8 MHz साथै विश्वभरि के साथ www.radiobhojpurifm.com के माध्यम से सुनतानी कार्यक्रम के नाम बाटे संगीत लहर। कार्यक्रम में अपने सबके मन पसंद सदाबहार हिंदी, भोजपुरी, मैथिली गीत संगीत सुनावे के हमने के प्रयत्न करेनी, अपने सब सहभागी हो सकतानी और अपन मन पसंद गीत संगीत सुन सकतानी। कार्यक्रम के साथ में बानी प्रस्तोता आरजे अरुण सिपूजन जी के साथ में 9813-65013 अपने के खातिर नंबर बाजे। नमस्कार। हेलो सर। नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत बा कार्यक्रम में अपने के। कहाँ से के बोलत हानी? हम बहुदर मान नगर पालिका से जितेंद्र प्रसाद यादव जी। जितेंद्र जी, हेलो। हेलो जी। जी जितेंद्र जी, कैसन समाचार बा अपने के? बहुत बढ़िया बा, अपन सुनाई? जी बढ़िया बाटे। हमनी के खाना पीना हो गई? खाना पीना हो चुका अपने खाना पीना हो गई जी हो गई बाटे। हमनी के भी कार्यक्रम में फर्स्ट कॉलर के रूप में अपने आयल बानी, कौन गीत सुने के चाहता नहीं? हम तो गाना सुने के चाहता नहीं, वो सही बा, मिलेंगे तो तुमसे बताएंगे हमें प्यार कितना है। वो सही बा, मिलेंगे तुमसे।
एक गीत में अपना दोस्त लोग के याद कर ली अपने रंजीत सक्सेले राजन दीपेन राजन जी धन्यवाद नमस्कार जी थैंक यू सो मच हमने की याद करनी जगह खातिर दीपेंद्र जी नमस्कार शुभ रात्रि। आदरणीय श्रोता रेडियो भोजपुरी एफएम 92.8 मेगाहर्ट्ज के माध्यम से सुनतानी कार्यक्रम कार्यक्रम में अपने भी सहभागी हो सकतानी। व्हाट्सएप नंबर भी खुला बा और फोन नंबर भी खुला बाटे। जी हेलो नमस्कार। हेलो सर नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी। स्वागत बा कार्यक्रम में के परिचय बताई सर। जी सर हम नेपाल बिहारी को श्रोता सुरेश शाह कानू नगवा से। सुरेश शाह कानू जी कैसन समाचार बाटे सुरेश जी। बहुत ही बेहतरीन 1990 सॉन्ग बजे जा रहा बाटे। बहुत ही बढ़िया गीत के फरमाइश आयल बाटे जितेंद्र प्रसाद यादव जी के माध्यम से। जी गीत में अपना दोस्त लोग के याद कर ली पांच गो दोस्त के याद करें सर। जी जी सर याद कर थैंक यू। नमस्कार जय माता दी शुभ रात्रि। हेलो सर नमस्कार। हेलो जय श्री राम। जी जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। कहाँ से कौन बोल रहे हैं परिचय बताइए अपना। मनीष श्रीवास्तव महाराजगंज उत्तर प्रदेश से। मनीष श्रीवास्तव जी कैसे हैं आप? ठीक है सर अपना बताइए। जी बढ़िया है हम लोग का भी। और खाना पीना हो गया मनीष जी? मनीष जी 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 खाना पीना हो गया? हेलो मनीष जी। हाँ खाना पीना हो गया अपना बताइए। जी जी हम लोग का भी हो गया है। और कैसे हैं आप महाराजगंज वासी बताइए सर वहाँ का माहौल वहाँ का समाचार कैसी है? जी सर यहाँ का माहौल ठीक है। तो ये डिस्टेंसन वाली प्रॉब्लम है अभी भी। मास्क लगा के सब चल रहे हैं और सब सब चीज खुल गया है यहाँ पे। अच्छा चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर जानकारी कराने के लिए। अब सर अपने पांच दोस्तों को याद कर सकते हैं मनीष श्रीवास्तव जी आप। जी सर पहले तो आपको अमन जायसवाल धीरेन्द्र जायसवाल अजय जायसवाल संतोष यादव। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनीष सर हमारे शो में जुड़ने के लिए। नमस्कार शुभ रात्रि। ओके आदरणीय श्रोता फिर से फोन लाइन के माध्यम से हमने के साथ में के श्रोता जुड़ रहा बानी सर। नमस्कार। नमस्कार अरुण बाबू। प्रणाम सर स्वागत बा कार्यक्रम में अपने के। दिल से धन्यवाद है। हम नेपाल भारत मैत्री रेडियो श्रोता संघ बीरगंज विश्व कुर्बान है। जी 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 फरमाइशो का बादशाह बालकनी में बैठल बानी बेगम साधवा वाली के संगे भोजपुरी एफएम मजा से बुलु प्राणी सुन रहल बानी सर आनंद ले रहल बानी। मैडम के प्रणाम बाटे सर। मैडम के ओर से भी रहुआ के आशीर्वाद बा। खाना पीना हो गई सर? हाँ हो गई खाना पीना हो गई। और फुलवारी टोल के कैसे समाचार बाटे? बढ़िया बा यहाँ के समाचार बढ़िया बा ठंडा है बड़ा बालकनी में बानी सर बड़ा अच्छा लग रहा बा। सुहाना मौसम भी बाटे। सुहाना मौसम बा भोजपुरी एफएम प्रयास करे नी सुहाना में आवाज अपने सबके बीच पहुँचा। जी 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 सर अब अपन दोस्त लोग याद कर ली सर। ओ साहिबा मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कितना प्यार है हमें। बहुत बढ़िया बेहतरीन गीत बाटे। जी जी बाबू हम आपको सुनाना चाहेंगे। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। उसके बाद में हमारे संस्था के अध्यक्ष हैं विजय पौड़े जी रामाधर मेहता जी हैं और कन्ना डुमरिया से आते हैं रंजीत महतो। उसी तरह सीमा देवी सहनी जी हैं कलिया के श्याम डॉन जी हैं और परदेशी चौधरी जी हैं और कहिए ना नेपाल भारत मैत्री जी श्रोता सिंह के पूरे परिवार है। कुछ चकिया से आते हैं आर्यन राज जी और विनोद चौहान जी और गुड्डू गिरी को और रामचंद्र शर्मा जी को सुना दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार शुभ रात्रि। नमस्कार शुभ रात्रि।
आदरणीय श्रोता मित्र, एक कॉलर से हमनी के और बात करें और सीधा अपने सबके फरमाइश गीत अपने सबके रेडियो सेट पर भेजें। सुबोध प्रसाद कुशवाहा जी हेलो लिख रहा बानी फेसबुक के माध्यम से, और क्या श्रोता कुमार रुपेश जी सर इस नंबर को ब्लॉक कर दिए हैं? नहीं नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं, आपका नंबर ब्लॉक नहीं है और हम लोग चेक भी करेंगे कार्यक्रम के बाद में लास्ट जी। नमस्कार। हेलो। नमस्कार। नमस्कार अरुण जी। जी भैया प्रणाम, स्वागत है कार्यक्रम में, परिचय बतावल जाओ अपन। 17 नंबर वार्ड से वीरेंद्र पटेल। वीरेंद्र पटेल जी, कैसे समाचार बाटे वीरेंद्र भैया जी? ठीक बा, अपन कहल जा। बढ़िया बाटे, हमनी के भी खाना पीना हो गई। खाना पीना हो गई भाई, ये प्रोग्राम अपना के सुनतनी 6 बजे 7 बजे। अच्छा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ओकरा खातिर। कैसे समाचार बा अलहुवासी के? अलहुवासी के सब समाचार ठीक बा। आईसीटी में आदमी आवत लोग सब लोग धीरे धीरे जाते बा। हाँ हाँ, अब भारत सरकार अपना देश में सभी लोग के बुला रहा बनी, हमनी के सूचना भी बजनी है। जी 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 जी, 30 तारीख से शायद मियाद बाटे सब के भारत में। भारत सरकार कोनो प्रकार के दिक्कत नहीं के करत पुलिस प्रशासन, तब जे भी श्रोता लोग सुनत आनी कार्यक्रम रहुआ लोग, अब भारत के बासी बनी नेपाल में लॉकडाउन के कारण से फंसल रहनी है, तो अब अपने सब जा सकत आनी हमनी के कार्यक्रम के माध्यम से भी जानकारी करा दी वहाँ लोग के। जी जी जी, अब अपना दोस्त लोग की याद कर ली सर, 5 गो दोस्त के याद कर सकत आनी कार्यक्रम के माध्यम से। जी जी, सबसे पहले तो हम अपने को सुनाओ के चाहें। थैंक यू। ओकरा बाद सोनालाल बाबा जी के सुना देम, आ शंभू पटेल जैसे वीरेंद्र प्रभु पटेल जी के सुना देम, आ एगो सुरेश भैया के सुना देम, आ संपूर्ण जी पूरा भोजपुरी एफएम सुना तनी लो। नमस्कार, शुभ रात्रि। आदरणीय श्रोता मित्र, कार्यक्रम भोजपुरी एफएम के माध्यम से सुनत आनी और हमनी के अब सीधा ओ साहिबा मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कितना प्यार है हमें। जितेंद्र प्रसाद यादव जी के फरमाइश गीत समर्थन बाटे सुरेश शाह कानू जी के, मनीष श्रीवास्तव जी महाराजगंज से, कुरवान हवारी सर फुलवारी टोल से, वीरेंद्र पटेल जी अलहू जी, और ये गीत अपने के बीच छोड़त आनी और फोन करत रही कार्यक्रम में ई गीत के साथ फिर से मिलत आनी। सुनत रही रेडियो भोजपुरी।
डालेंगे दिल की धड़कन में तुमको छुपा लेंगे। ओ साहेबा मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें। बहुत ही बेहतरीन गीत के साथ साथ एक बार फिर से स्वागत बा अपने सबके। व्हाट्सएप के माध्यम से के श्रोता हमनी के साथ में जुड़ रहा बानी वहाँ के स्वागत करें। नमस्कार। हेलो सर। नमस्ते। नमस्कार। प्रणाम सर। जी प्रणाम। स्वागत बा कार्यक्रम में अपने के। परिचय बताओ जाओ अपन। हम एफएम प्रेमी रंजीत महतो दीवाना कन्ना डुमरिया पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिला बिहार से बोल रहा मानी आरजे अरुण सर जी। स्वागत बैठे रंजीत महतो जी अपने के कार्यक्रम में। और कौन गीत सुने के चाहता नहीं फर्स्ट कॉलर के रूप में अपने कार्यक्रम में सहभागी भइल बानी। हां फिल्म के नाम बटे स्वर्ग और गाना के बोल बटे सर ए मेरे दोस्त लौट के आजा जिंदगी बिन तेरे अधूरी है। क्या बात है ये अभी हमनी के बजी रहल बैठे। जी जी बैक फिलर हमनी के हुई है। माहौल जौन बटे और दोस्त के बगैर दोस्त यानी के मजबूरी एगो दोस्त है जौन मजबूरी हमनी के आके सता देले बा। जी 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 अब हमेशा खुश रहल जाई तो उहे जिंदगी त ना एकदम एकदम। रंजीत महतो जी और इस गीत में अपने पांच को दोस्त लोग के याद कर ली। बहुत ही बेहतरीन गीत के फरमाइश कैले बानी अपने स्वर्ग फिल्म के। ये गीत अपने के बीच बहुत जल्द हमनी के भेजम। उससे पहले पांच को मित्र लोग के याद कर ली अपने। सबसे पहले तो हम लोकप्रिय आरजे अरुण सर जी के दिल से धन्यवाद वहाँ के हम याद करे। मास्टर शहर सर बन के बानी वहाँ के भी धन्यवाद देवे के चाहे वहाँ के भी याद करें। और काल के डेट में जनता हमरा आरजे अरुण सर जी के सितारा के तरह पर्दा पर देख लेवे ओकरा के हम गढ़ी माई से और शंभुनाथ से पशुपतिनाथ से प्रार्थना करें कि हे देवता मुन लोग हमनी के बीच में आरजे अरुण सर जी के एक बार पर्दा पर ले आ दी कि हमनी पर्दा पर देखी सब बड़ा दुनिया देख ले नहीं खेरुआ के आवाज सुने ना देखले नहीं के हमनी के लालसा बाटे कि रउआ एक बेर पर्दा पर आइती आ भगवान पूरा कर दे हम प्रार्थना करें। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद है। और वो दिन बहुत जल्द आ रहा बाटे अपने लोग के आशीर्वाद होगी तो हो कि वो दिन नजीक में ही बाटे। जी एक रखा जी तो हम कहें कि जय जैसन पूजा करेला वैसा ही मिलेला रउआ जैसन मेहनत कैले बानी रेडियो पर जनता में माई बहन दीदी भाई में जौना के फल तो मिल ही के परल सर। तीन जन्म कथी कहल जाला एक जन्म में सब चीज मिलेला मिल जाला अच्छा करे वाला। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत महतो जी इतना अपने शुभचिंतक इतना बड़ा शुभचिंतक बनी जेकरा खातिर एक गीत में पांच को दोस्त लोग की याद कर ली अपने। हम सबसे पहले तो नेपाल भारत मैत्री रेडियो श्रोता सन के संपूर्ण परिवार के समझे के चाहे और याद करे के चाहे वैसा ही नेपाल रेडियो श्रोता के पूर्ण परिवार के समझे के चाहे याद करे के चाहे समग्र मध्य रेडियो श्रोता सन के संपूर्ण परिवार के समझे के चाहे थरवट मीडिया ग्रुप के पूरे दीदी बहन दाजू भाई लोग के भी समझे के चाहे और ई रेडियो सुन के बैठल दीदी बहन दाजू भाई देश विदेश में ऑनलाइन से सुन रहल बानी रंजीत महतो के चीने जाने वाला आ ना चीने जाने वाला सभी मित्र दोस्त लोग के रात्रि कालीन में नमस्कार प्रणाम करे। जी नमस्कार शुभ रात्रि रंजीत महतो जी अभी हमनी के साथ में रहनी आदरणीय श्रोता अगला कॉलर से बात करें। नमस्कार। हेलो नमस्कार सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम सर स्वागत बा कार्यक्रम में। परिचय बतावल जाओ अपन। जी धन्यवाद हम
मोहम्मद इरफान जी। जी कैसन समाचार बाटे इरफान जी? बहुत बढ़िया बात सर, अपन सुनाल जा। जी बढ़िया बाटे, हमनी के भी खाना पीना हो गइल? जी हो गइल, अपन सुनाई। जी जी हमनी के भी हो चुकल बाटे। कैसन समाचार बा अपने के गाँव ठाव के? गाँव ठाव के बहुत बढ़िया बा, अपने द्वारा आशीर्वाद बा, बहुत बढ़िया से बानी सर, सब भी बढ़िया से बा। चली दिक्कत नहीं है एकदम। अब पांच को दोस्त लोग की याद कर ली, पांच को मित्र के ही नाम ले अपने। सबसे पहले अपने के अपने के पार्टनर के और बिलाल खबर हसन के। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। आदरणीय श्रोता, फेसबुक के माध्यम से भी अपने सब लिख रहल बानी, गीत में समर्थन जना सकतनी, अपन नाम लिखी, हमनी के जरूर अपने के कमेंट्स पढ़ेम, अगला कॉल कार्यक्रम में मिल रहल बाटे। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत बा कार्यक्रम में अपने के सर। श्याम डॉन जी, कैसन समाचार बाटे अपने के? कलिया के समाचार बता दी अपने। खाना पीना हो गई? गीत में समर्थन जनाते हुए ए मेरे दोस्त लौट के आजा, अपन दोस्त लोग के याद कर ली सर। जी धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम में बहुत ही बेहतरीन गीत के फरमाइश भइल बाटे रंजीत महतो जी, ए मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है, ये गीत अपने के बीच हमनी के बहुत जल्द पठा रहा बनी। नमस्कार। नमस्कार सर, अर्जुन सर, नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सर, स्वागत बा कार्यक्रम में अपने के, परिचय बतावल जा अपन। जी हम शिवराज चौधरी आकुआ प्रसाद से। शिवराज चौधरी जी, कैसन समाचार बा शिवराज जी? सब अपने के दया में से सब ठीक बा सर, अपन बता दी। जी बढ़िया बाटे, हमनी के भी खाना पीना हो गए शिवराज जी? जी 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 हमनी के हो गई बाटे। कार्यक्रम के माध्यम से अपने गीत के फरमाइश हो चुकल बाटे, गीत में अपने के याद करे के पड़ी बस। सुनत रहनी सर, बहुत बढ़िया गीत आयल बा, वही से हम कॉन्टेक्ट कइनी, एक बार गइल तब तक गाना बजात रहे, ना रिसीव भइल हमर फोन अभी होई सर। का करम सर, का होला कि एगो व्हाट्सएप से और दूसरा एगो हमनी के जैसे कि फर्स्ट कॉलर एक आदमी के व्हाट्सएप के बनावेनी और एक अपने के मोबाइल के बनावेनी नंबर के माध्यम से, अपने के एनटीसी के नंबर बाटे, पैसा भी ज्यादा कटे तो वही से फोन रिसीव ना भइल सर। जी सर ठीक बा सर, अब फोन होता तो पैसा लगबे कहे तो अपने से बात हो जाई, वह बहुत बड़का बात बा। इतना बढ़िया अपने के प्रोग्राम लगला भोजपुरी एफएम से, जब अपने के प्रोग्राम सुनने, लेकिन बहुत शिवराज जी और ज्यादा ऊर्जा थप दिले बानी हमरा के, और भी ज्यादा ऊर्जामान हो चुकल बानी और प्रयास करें अपने लोग के और बढ़िया से मनोरंजन करावे के। जी अपना दोस्त लोग की याद कर ली, अपने पांच गो दोस्त की याद कर सकता नहीं शिवराज सर? नमस्कार, शुभ रात्रि। शिवराज चौधरी जी हमनी के साथ में जुड़ल रहनी, अगला कॉलर के हमनी के मलेशिया से लेवे के चाहे। नमस्कार। हेलो, नमस्ते, नमस्कार अरुण सर। नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, अदाब, सलाम, स्वागत बा कार्यक्रम में सर। जी दिल से धन्यवाद बटे। जी जी परिचय बताइए फोन। जी हम नेपाल भारत मैत्री रेडियो श्रोता संघ कालिका माई गाँव पालिका दू फिड़िहारी नहर चौक परसा जिला, यानी कि अभी सात समुद्र पारी देश मलेशिया से परदेशी जीवन रामलाल सुमन बोलते हैं अरुण सर। रामलाल सुमन जी, अपने जब बोले नहीं कि परदेशी जीवन जब लिखे नहीं अपने, तो ऊपर ध्यान जैसे ही पड़े ला हमनी के मन भावुक हो जाला। बड़ा खुशी लागेला कि कार्यक्रम में रहुआ निरंतर नियमित रूप से जुड़े नी। टाइटल बड़ा बिजोड़ रख ले बानी और अलग बाटे, भाव कर दे वाला टाइटल सुनने के बाद में मन के। बहुत बहुत धन्यवाद। खाना पीना भइल बाटे कि ना अभी भैया? अपने बताइए। खाना पीना
खाना पीना हो चुकल बट 12:48 रात के जा चुकल बट यहाँ के जी जी सुबह 7 बजे से 7 बजे तक अपन ड्यूटी बटे जी जी। तो हमने के इतने कहम रामलाल सुमन जी, बढ़िया से कमाई, बढ़िया से खाई और पैसा बचा के देश के आई और ये गीत बाटे ए मेरे दोस्त लौट के आजा, जो मकसद लेके गई बानी विदेश में मकसद पूरा करी अपने। जी जी दोस्त लोग की याद कर ली, 5 दोस्त के अपने। जी अरुण सर सबसे पहले अपने के एक पटना लगा दे रेडियो भोजपुरी एफएम 93.8 MHz फुल टीम के वैसे हम के फरमाइश के बाद सब कुर्बान हवा से अध्यक्ष बनी विजय पौड़े रामा फरमेता आ परदेशी चौधरी सुरेश प्रसाद मंडल हमर प्रिय मित्र बनी कल्याणपुर एक 12 से आनी वीरेंद्र मुखिया पिन जी के सुना सर नमस्कार गुड नाइट। नमस्कार गुड नाइट। आदरणीय श्रोता मित्र रंजित महतो जी के फरमाइश गीत समर्थन बाटे मोहम्मद इरफान जी के, श्याम डॉन जी के, शिवराज चौधरी जी के, रामलाल सुमन जी के। ये गीत अपने के बीच हमनी के छोड़ा था नी स्वर्ग फिल्म के गीत के बोल बाटे ए मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है।
ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। बहुत ही बेहतरीन गीत अपने सब सुननी है। गीत के साथ ही साथ स्वागत बैठे अपने सबके कार्यक्रम में। कार्यक्रम में अपने भी सहभागी हो सकता नहीं। नंबर बैठे 9813-65-013। अपने के मन पसंद हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, नेपाली गीत संगीत सुनाए अपने के। नमस्कार जी। नमस्ते, स्वागत बा कार्यक्रम में अपने के। परिचय बताओई। धन्यवाद बा, हम राम यादव। राम पुकार राय यादव जी, कौन गीत अपने लेके आयल बानी फर्स्ट कॉलर के रूप में बानी, बता दी अपन पसंदीदा गीत। फिल्म के नाम बन नहीं लगन सोइया से। रूप मोरा चानी बदन मोरा सोना, बसे मोरे राजा नजरिया के कोना। रूप मोरा चानी बदन मोरा सोना, बसे मोरे राजा नजरिया। अतन का धीरे धीरे बोली ना, हमनी के टाइप करे के पर। रूप मोरा चांदी और ओकरा बाद में कथि। रूप मोरा चानी बदन मोरा सोना, बदन मोरा सोना, राजा नजरिया के कोना। फिल्म के नाम नहीं लगन सोइया से। बदन मोरा सोना, ओकरा बाद में रूप मोरा चानी बदन मोरा सोना, बसे मोरे राजा नजरिया के कोना। अच्छा, तनका रेडियो से अपने चल जाई, दूर चल जाई, बंद कर देनी। जी जी, बसे मोरा सैया नजरिया के कोना। हाँ, फिल्म के नाम नहीं लगन सोइया से। जी 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 जी, ई गीत में अपना दोस्त लोग के याद कर ली अपने। सबसे पहले अपने कप्रेटेक पानल जी के बाप मन्ने सुरेश खान, ओमर सिंह जी, पानल पटेल जी, नंदलाल बैठा जी, अमित गुप्ता जी, आज तीने ना तीने सबको सुना रही हूँ। नमस्कार। कौना कौना फिल्म के गीत कहनी है? यह लगाम सहिया से। नहीं लगाम सहिया से जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। आदरणीय श्रोता, रेडियो भोजपुरी 92.8 मेगाहर्ट्ज के माध्यम से कार्यक्रम सुनत नहीं, व्हाट्सएप के माध्यम से फोन मिल रहा बाटे, हमने के सीधा कार्यक्रम में जुड़े के चाहे। नमस्कार जी। नमस्कार, स्वागत बा भैया कार्यक्रम में। कहाँ से के बोलो तानी? दीपेंद्र यादव, वित्त भ्रष्टाचार और से। सिकेंद्र यादव जी? दीपेंद्र यादव। सॉरी सॉरी, दीपेंद्र यादव जी, अपने से पहले भी रहो तो हटे से फोन मिल रहा लगा। जी, राम पुकार जी के रहा लगा। जी 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 जी, कैसन समाचार बैठे अपने के दीपेंद्र जी? जी बनिया बा, और यहाँ नगर पालिका के बनिया बा, बारिश सवेरे हो जम के। बड़ा समस्या बाटे रोहतक में, कोरोना वायरस तो काफी मरीज लोग निकल गए, डॉक्टर के लोग पिटाई करे लगता। जी आवारो मरे के मन बा। डॉक्टर के देखा था मुंह फोड़ देले बाटे अपने के भेड़िया ही नगर पालिका में, राजपुर नगर पालिका में। राजपुर नगर पालिका में न्यूज देखनी है हमने के न्यूज। जी जी, आवरो मरे के मन बाकी के तो अपनी समस्या में बहुत मानना मर्यादा से और लोग इज्जत करे के पड़ी तो उल्टे मार देले बा, ऐसे अब उल्टे अब असर पड़ी अपने पर। गलत बात बाटे एकदम गलत। दुनिया में अनेक प्रकार के लोग बनी, हमने के सही बात बतावल जाओ, लोग के समझे के या ना समझे के उन लोग के काम बा, हमने के जिम्मेवारी बाटे बतावे के। जी, सही चीज बताओ, सही बात कहे के। एकदम एकदम सही बात कहे के जी। जन जैसन करनी वैसन भरनी होई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपेंद्र जी, पांच मित्र की याद कर ली अपने। अपने कमरे को पूरा हॉल इनके नरेश पंडित, वीरेंद्र मुखिया, दीपेंद्र चौहान, मिथुन माझी, मिस्टर जल्दी हवारी के प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार, शुभ रात्रि। आदरणीय श्रोता, भोजपुरी एफएम 92.8 मेगाहर्ट्ज के माध्यम से कार्यक्रम सुनत हानी। कार्यक्रम में अगला कॉल जोड़े के चाहे। नमस्कार भैया। नमस्ते। नमस्कार, गुड नाइट। नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत बा कार्यक्रम में अपने के। परिचय बतावल जा सर। हम थर्गट मीडिया ग्रुप के मेंबर सिहोरवा 12 हाल सऊदी अरब से अजय कुमार आशिक बोलतनी भैया। अजय कुमार आशिक जी, कैसन बाटे सऊदी के समाचार? यहाँ तो एकदम गर्मी बढ़ गई भैया। अच्छा, काम धंधा चलता है कि ना अपने के कंपनी चलता और वो काम पर जाता नहीं? अच्छा, खाना पीना सब ठीक ठाक बा? खाना पीना के व्यवस्था सब बढ़िया से हो रहा बा? जी जी, अपने खुद पका के खा रहा बा। जी 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 जी, रूम में औसन केम के खाना नहीं खेल। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अजय जी, हमनी के नहिया लगाब से नहिया से गीत हमनी के फरमाइश हो चुकल बाटे, रूप मोरा चानी और ईसाई बैठे। ये गीत में अपना दोस्त लोग की याद कर ली सर। विशेष करके तो भैया अपने के थैंक यू रेडियो
भोजपुरिया सुन रहा सम्पूर्ण तमाम श्रोता साथी के आ विशेष करके गीत रोज के गेल संगतिया के आ उसी हमनी के थर्गट मीडिया ग्रुप के संगतिया सबके सुनाए के पड़ल था दाजू कोचिला थारू संजय कुमार संध्या चौधरी एफ एम शाह चौधरी राम पुकार दिलीप चौधरी प्रेम रोगी ईश्वर चौधरी विनोद चौधरी सुनीता चौधरी थर्गट मीडिया ग्रुप के सम्पूर्ण साथी के जी नमस्कार अजय आशिक जी हमनी के साथ में रही सऊदी से नमस्कार हेलो नमस्ते नमस्कार रात्रिकालीन अभिवादन जी जी अपने के भी रात्रिकालीन अभिवादन स्वागत बा कार्यक्रम में सर परिचय बताओ जी हम थर्गट मीडिया ग्रुप के मेंबर सुनर्निया बारा के शंकर चौधरी परिचय कौन चौधरी शंकर चौधरी शंकर चौधरी जी जी कैसा समाचार बाटे सुनर्निया के बहुत अच्छा बा अपने सब के सुनाती भोजपुरिया जी जी हमनी के बढ़िया बाटे खाना पीना हो गल शंकर जी 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 हो गल अपने सब तो बाइक जी हमनी के भी हो चुकल बाटे कार्यक्रम सुनता नहीं सुनर नहीं में अपने अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहे और कार्यक्रम के माध्यम से अपना दोस्त लोग की याद कर ली सर कैसे कि हमनी के फरमाइश हो चुकल बाटे गीत के सबसे पहले अपने के अपने ट्रेक पाटन जी के और उसे ही हमने के अभी आ रहा थर्गट मीडिया ग्रुप के मेंबर अजय कुमार आशिक जी विशेष करके वहाँ के सुना के काम और थर्गट मीडिया ग्रुप के संदेह परंत एकदम साथ चौधरी रामपुकार गुलाब चौधरी संध्या चौधरी ईश्वर चौधरी दिलीप चौधरी प्रेम रोगी और लगाए थर्गट मीडिया ग्रुप के संपूर्ण मेंबर सबके सुना के काम करी नमस्ते नमस्कार शुभ रात्रि आदरणीय श्रोता मित्र कार्यक्रम में एक कॉलर से और हमनी के बात करें और सीधा एक खूबसूरत के गीत हमनी के अपने के बीच छोड़ेम नमस्कार हेलो नमस्कार नमस्कार स्वागत बा कार्यक्रम में अपने के कहाँ से के बनी नेपाल बिहार रेडियो सुल्तान संघ पोखरिया नगर परिषद वार्ड नंबर 4 से रामलाल बाजीगर रामलाल बाजीगर जी कैसा समाचार बाटे बहुत अच्छा बा बढ़िया बा अपन सुना इतना होली के समाचार से कैसे मानी जी जी बढ़िया बाटे हमनी के भी अब हमनी के टाइम बहुत कम बाटे गीत में अपना दोस्त लोग के याद कर ली अपने विशेष करके अपने के हरिंदर प्रसाद यादव जी प्रमोद पांडे जी दीपेंद्र चौहान जी गौरी शंकर चौहान जी विष्णु नारी जी शाह जी कनालाल पटेल जी अमर सिंह जी सुरेश काम जी विशेष कर अपने का होल टीम या रामलाल सोना जी के नमस्कार शुभ रात्रि नमस्कार शुभ रात्रि आदरणीय श्रोता मित्र राम पुकार यादव जी के हमनी के फरमाइश गीत सुनाए गीत में समर्थन बाटे दीपेंद्र यादव जी के अजय कुमार आशिक जी के शंकर चौधरी जी के रामलाल बाजीगर जी के और गीत अपने के बीच गीत के साथ फिर से आवतानी सुनत रही अपने सबके दिल के धड़कन रेडियो भोजपुरिया
एक गीत के साथ साथ बहुत बहुत स्वागत आदरणीय श्रोता मित्र रेडियो भोजपुरी एफ एम 92.8 मेगाहर्ज के माध्यम से सुनतानी कार्यक्रम कार्यक्रम में अपने के भी सहभागिता हो सकता कार्यक्रम में फोन कर सकता नहीं 98-03-65-03 के माध्यम से नमस्कार नमस्कार भैया जी स्वागत व कार्यक्रम में कहाँ से के बनी अपने बाल कृष्ण मंडल जी अपने के हमने के ठीक से नहीं सुने पावत बगल में रेडियो बजा था साउंड कम कर दी बाल कृष्ण जी 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 कौन गीत सुने गीत के नाम बताइए अपने गीत के नाम कही एक बार फिर से मेरे महबूब तुझे वादा निभाना होगा अच्छा मेरे महबूब जी 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 ये गीत में अपना दोस्त लोग की याद कर ली सबसे पहले अपने को आराम भैया थैंक यू सिपोजन भैया को और बहुत बढ़िया फिल्म सुनार सब श्रोता को जी जी धन्यवाद नमस्कार नमस्कार बाल कृष्ण जी सप्तरी जिला से हमनी के साथ में जुड़ रही है बहुत बहुत धन्यवाद देवे के साहब आदरणीय श्रोता अगला कॉल से हमनी के बात करें हेलो नमस्कार नमस्कार जी स्वागत व कार्यक्रम में अपने के परिचय बताई हम श्याम टोला हूँ सर सोनालाल भगत जी बोल रहे सोनालाल भगत जी कैसे समाचार बाटे बहुत बढ़िया बा अपन सुना ही रहे जी जी बढ़िया बाटे हमनी के भी खाना पीना हो गई भगत जी जी हाँ खाना पीना तो 7:30 बजे हो गई बा 7:30 बजे हाँ ये गीत में 5 गो दोस्त के याद कर ली अपने हाँ होल यूनिट के वीरेंद्र पटेल जी के सुनता है शंभू पटेल प्रभु पटेल के जी धन्यवाद नमस्कार शुभ रात्रि गुड नाइट आदरणीय श्रोता व्हाट्सएप से भी के श्रोता बनी हमनी के सीधा हुआ के जोड़े के साहब जी हेलो नमस्कार नमस्कार स्वागत बा कार्यक्रम में कहाँ से के बोला था नहीं अपने निकेश कुमार गुप्ता जी अनिकेत कुमार गुप्ता अच्छा अनिकेत जी कहाँ से कौन है परसौनी गाँव पालिका जी जी कैसन समाचार बाटे अनिकेत जी वहाँ के सब ठीक बा कार्यक्रम सुना था नहीं हाँ कार्यक्रम के माध्यम से अपना ये गीत में समर्थन जनाते हुए अपना दोस्त लोग की याद कर ली अपने सबसे पहले अपने के अपने के टीम के और एगो हमार एकदम प्रिय साथी बारी अथी ड्राइव जी जी हेलो माफ करम वहाँ के हमने से बिछड़ गई बानी हेलो नमस्कार हेलो नमस्कार प्रणाम भैया जी प्रणाम स्वागत बा भैया कार्यक्रम में अपने के परिचय बताइए अपन हम नेपाल बिहार श्रोता संघ के सदस्य पोखर नगर पालिका नौ शिविरवा से गौरी शंकर चौहान बोल रहे भैया गौरी शंकर चौहान जी कैसन समाचार बाटे गौरी शंकर जी बहुत बढ़िया बा अपन कह दी अपना होल यूनिट भोजपुरी एफएम में कह दी किशन बानी और टेक पार्टनर जी के भी कह दी किशन बानी बढ़िया बानी होल फैमिली बढ़िया बानी हमनी के खाना पीना हो गई गौरी शंकर चौहान जी एकदम हो गई अपने लगन के भइल की जी हमनी के भी हो चुकल बाटे हमनी के लास्ट में आ चुकल बानी कार्यक्रम में और अपन 5 गो दोस्त लोग की याद कर ली अपने सबसे पहले हम अपने की याद करें भोजपुरी एफएम होल यूनिट से याद करें उसे हमारे प्रिय भाई दीपेंद्र चौहान रामलाल बाजगर और प्रमोद पांडे जी डॉक्टर पानालाल पटेल जी अहमद हुसैन जी और विशेष करके अपने भोजपुरी एफएम होल यूनिट धन्यवाद नमस्कार नमस्कार गुड नाइट आदरणीय श्रोता मित्र कार्यक्रम के लास्ट में आ चुकल बानी हमनी के लास्टे कॉलर से बात करें और मोहम्मद अजीज साहब के कविता जी के ई आवाज बाटे गीत में बहुत ही बेहतरीन गीत बाल कृष्णा जी फरमाइश करनी है नमस्कार नमस्कार भैया स्वागत बा कार्यक्रम में कहाँ से के बनी अपने धन्यवाद नाम कथी कहनी सीके पंडित जी 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 अच्छा कैसा समाचार बाटे सीके पंडित जी बहुत बढ़िया बाटे आप सुनाए अपना होल टीम के सुनाए जी बढ़िया बानी हमनी के भी और लास्ट कॉलर रहुए बानी कार्यक्रम में खाना पीना हो गई बा अपने के जी खाना पीना हो गई बाटे अब रहुए कार्यक्रम सुन के आदमी अभी जागल बा बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम के माध्यम से 5 गो दोस्त लोग की याद कर लिए हमनी के छुट्टी के पड़ी सबसे पहले
सबसे पहले रवा की सुनाई दी जाए। हाँ थैंक यू। टाइम पाने हमने कि समाज मध्य श्रोता संघ के अध्यक्ष माने गिरीश किशोर तिवारी जी। वही माने हमने कि अपने नरेश पंडित जी 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 वही माने हमने कि गौरीशंकर कुशवाहा जी, ईश्वर यादव जी, पनालाल दिल्ली एक्सप्रेस नमस्कार शुभरात्री। प्रणाम आदरणीय श्रोता मित्र, आज हमने के जमा 20 को श्रोता लोग से बात करनी है। सभी श्रोता के एक बार याद करके चाहे हम छूटे से पहले, फर्स्ट कॉलर के रूप में जितेंद्र प्रसाद यादव जी, सेकंड कॉलर के रूप में सुरेश शाह कानू जी, मनीष श्रीवास्तव जी, कुरान हवारी सर, वीरेंद्र पटेल जी, रंजीत महतो जी, मोहम्मद इरफान जी, श्याम डॉन जी, शिवराज चौधरी जी, रामलाल सुमन जी, राम पुकार यादव जी, दीपेंद्र यादव जी, अजय कुमार आजिक जी, शंकर चौधरी जी, रामलाल भाजीगढ़ जी, बालकृष्ण जी, सोनेलाल भगत जी, अनिकेत गुप्ता जी, गौरी शंकर चौहान जी और लास्ट कॉलर सी के पंडित जी। बहुत ही बेहतरीन गीत अपने के बीच जोड़ता नहीं। नमस्कार प्रणाम शुभरात्रि। रोशनी तू है मेरी, हर खुशी तू है मेरी, तेरे बिन कैसे जिए जिंदगी, तू है मेरी, तू अगर मेरी मोहब्बत की पाक लैला है, जलवे तो मजनू को दिखाना होगा, जलवे उसन तो मजनू को दिखाना होगा, चाहे रोके ये जमाना तुझको आना होगा, मेरे महबूब तुझे वादा निभाना होगा, मेरे महबूब तुझे वादा निभाना।
अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8। खून दान ही जीवन दान है, टाइम से भोजपुरी एफएम 92.8 मेगाहर्ज में। अभी रात के 11 बजे। ए भौजी, इतना सवेरे सवेरे काहे रोतारू हो? बबे का शादी फेर कट गए। तो ये बार बार बबिया के शादी काहे कट जाता हो भौजी? फेस में सफेद दाग के चलते नु शादी कट जाता चाचा। तो सुना भौजी, ये रोवल धोवल छोड़, अब बबी के लेके एसपी त्यागी सेवा सदन में चल जा, वहाँ डॉक्टर साहब बैठेनी। जी, एकरा अलावा सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज कर रहल बाड़न, और गेठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु छिन्नता इत्यादि बीमारी के इलाज जड़ी बूटी द्वारा कर रहल बाड़न, और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा शुगर एवं पथरी के इलाज भी आयुर्वेदिक द्वारा करे लन। डॉक्टर साहब दर्द के स्पेशलिस्ट बाड़न। प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड के निकट वी मार्ट के बगल में, रविवार हरसिद्धि थाना के बगल में पूर्व प्रमुख राजा राम जी के मकान में, बुधवार नरकटियागंज कचहरी रोड मुख्तार खाना के बगल में, आ मोतिहारी LIC से पूरब आनंद होटल के नीचे, गुरुवार घोड़ा सहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब सीताराम शाह जी के मकान में, शुक्रवार शनिवार और रविवार के दिन रक्सौल में डंकन हॉस्पिटल से पूरब पहला गली त्यागी जी के अपने मकान में। समझ गई ला? हो भाई, हम तो देखलो ही नहीं। तो डॉक्टर साहब के नंबर लिख लो, 9955-94-94-53। डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियरा गई बा, हाँ तो झंझनाता, का बाएगर इलाज? देखी, अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथ ही अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी। जी, गुजरात ग्रोमेड, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेड के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स जी, अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यू, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला। पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्योर। गुजरात क्रोमेट, गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्योर। काका प्रणाम। हाँ नारायण, एक का समाचार बा? काका देखो ना, घर में सब के मियाज खराब हो गई बा। ए ऐसन बात बा, चिंता मत करो, अब हरेक रोग के इलाज करियन डॉक्टर SP अरुण, जैसे बात रोग, साइटिका, गठिया, दामा, पेट गैस, महीनवारी के खराबी, बवासीर, खूनी बादी, लिकोरिया के इलाज बिना ऑपरेशन के द्वारा डॉक्टर SP अरुण कर रहल बानी। संपर्क डॉक्टर SP अरुण, रक्सौल बड़ी डाकघर के सामने धर्मशाला में, हरेक महीना 23-24 तारीख के ही इलाज करें। मोबाइल नंबर 9478236966 और 9933458098। डॉक्टर SP अरुण। खुशी को खबर, खुशी को खबर, खुशी को खबर। हमरो शहर बीरगंज में प्राकृतिक चिकित्सा व फिजियोथेरेपी पद्धति बाट विशेषज्ञ द्वारा उपचार यस श्री भवानी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड ले गरी रहे को सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। हमरो सुविधा हरू मैनुअल थेरापी, एक्सरसाइज थेरापी, इलेक्ट्रोथेरापी, टैपिंग टेक्निक द्वारा थेरापी, कमर दुख्ने, घाटी दुख्ने, हाथ खुट्टा झमझमाउने, लकवा भएको, मुख बांगो भएको, हाथ खुट्टा नचल्ने, घाटी तथा कमर को नसा च्यापिएको, साथ ही बाल बालिका को हिडडुल गर्न नसक्ने सबै किसिम को उपचार हुँदै आइरहेको जानकारी गराउँदछौं। श्री भवानी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, लिंक रोड बस पार्क नजिक बीरगंज, संपर्क को लागि 051-520-200, 520-283 र 520-284। काका का भइल हो? हमर दाँत दुखात, बेटी के दाँत ऊंच नीच भइला से शादी नइखे होकर, और मेहरारू के दाँत लगावे के बा। अब दांत के हरेक समस्या के समाधान खातिर चलब बीरगंज के परवानीपुर शंकर लाल केडिया दांत अस्पताल में, जहां बीपी कोइराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठान हरान के प्रसिद्ध डॉक्टर विजय